नमस्कार दोस्तों, टेक्नोकैट ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जो ऑटोकैड से रिलेटेड है। दोस्तों, इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ ऑटोकैड से रिलेटेड, सॉलिड वर्क से रिलेटेड और सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, मेरा जो गोल है आगे एनसिस वर्क बेंच 18.2 स्टैट प्रो एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग पे अच्छे कमांड के साथ एक्सप्लेन करो, और उसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग लेवल से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं। अभी सबसे पहले मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ उस पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये रहा ऑटोकैड का 2D ड्राइंग। जो आप कैसे भी ड्राइंग हो, कितना भी कंप्लीटेड ड्राइंग हो, उसको आप बहुत ही सिंपल तरीका से बना सकते हैं, या एक स्टेप, दो स्टेप, पांच स्टेप, चार स्टेप, ऐसे करके आपको मैं सिखाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों ऑटोकैड पे। सबसे पहले दो सर्कल ड्रॉ करना है, सी एंटर, दो सर्कल है, नाइन्टी एमएम, एंड जो बड़े वाले सर्किल है ये रेडियस यहाँ 45 mm, बट यहाँ डायमीटर लेके चल रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार यूनिट इसका चेक कर लेते हैं, डायमेंशन। नाइन्टी एमएम रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस 90 एमएम है बट डायमीटर मुझे 90 एमएम चाहिए। सी एंटर, 45 mm डायमीटर, 90 एमएम हो गया, अगेन इंटर, एंड स्मॉल सी जो 56 एमएम डायमीटर है और रेडियस 28 एमएम। दोस्तों, ये तो हो गया। अब लाइन में रेफरेंस लाइन के लिए ये रहा दोस्तों। अब मुझे कुछ एंगल पे 60 डिग्री L एंगल, L इंटर एंड सिक्सटी डिग्री, जो डायमेंशन है इसका 60 mm, 60 mm पे डायमेंशन हो गया। नाउ C इंटर, जो यहाँ पे दो सर्कल बन रही है मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये जो सर्कल बन रही है, पहला रेडियस है 18 एमएम एंड दूसरा रेडियस है, जो स्मॉल रेडियस है 10 एमएम, तो जो बिग सर्कल है उसका 9 एमएम रेडियस, सॉरी 18 एमएम रेडियस एंड 10 एमएम रेडियस, ये सी इंटर 18 एमएम एंड अगेन 10 एमएम। तो दोस्तों, सी इंटर जो यहाँ पे रेडियस 40 mm, ये 40 mm हो गया, 14 mm, टी आर डबल इंटर, ये ट्रिम कर दिया हूँ। नाउ अगेन एम आई इंटर,
ये मिरर कर रहा हूँ, रेस्पेक्ट टू वर्टिकल। दोस्तों ये लेफ्ट एंड राइट हो गया। नाउ अब चलते हैं दोस्तों, एक सर्कल चाहिए, ये सर्कल जो 17 mm का रेडियस हो, आर्क बनाओ। बट यहाँ पे सर्कल लेने से ही काम हो जाएगा, सी इंटर टेंजेंट टेंजेंट एंड रेडियस, वन टेंजेंट टू टेंजेंट, और जो रेडियस है 17 mm, ये आपका टेंजेंट बन गया है, टी आर डबल इंटर, आप ट्रिम कर सकते हैं। और दोस्तों ये होने के बाद आप मिरर कर सकते हैं, एम आई इंटर किसके रेस्पेक्ट में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटर। दोस्तों एप्रोक्स ये ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है, बट ये जो 8 mm का ये है थिकनेस वो देना है, लेंथ ऑफसेट 4 mm, दोस्तों अब ट्रिम कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट हो गया है तैयार, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। एक आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक बन चुका है, जो आप समझ सकते हैं इसका जो ये चिन्ह है, इस चिन्ह के अनुसार आप समझ सकते हैं क्या चीज़ है ये। तो दोस्तों इसको रिमूव कर देने पे ये आया, अब इसका डायमेंशन भी दे देना है, मॉडिफाई पे जाना है, और रो की साइज़ यहाँ पे ठीक है 2.5 mm, इसको 5 mm डायमेंशन यूनिट्स 1, और एटीन mm अगेन इंटर, 10 mm बिग सर्कल एंड ए स्मॉल सर्कल। नाउ लेंथ में जाके अलाइन लेंथ लेना है, सिक्सटी एम एम एंड 61 mm, एंड 105 mm।
तो दोस्तों ये रहा आपका ड्राइंग जो सेम है।